हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपन शॉट के बारे में। ओपन शॉट में आप कैसे कोई वीडियो एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप ब्लर का ऑप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊँगा। आज आपको मैं पूरा एक वीडियो इसमें एडिट करके दिखाऊँगा, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट भी करके दिखाऊँगा कि आप एक्सपोर्ट करके आप कौन सा यहाँ पर किस क्वालिटी में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें खोलना है अपना ओपन शॉट। ओपन शॉट में देखिए दोस्तों, इसका ऐसा इंटरफेस होता है, जो भी फाइलें आप लाओगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद में आपने कुछ ट्रैक ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें 5 ट्रैक दिए हुए हैं, हमारा मोस्टली इसमें काम चल जाता है। उसके अलावा हमें यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। दोस्तों जो ये मैग्नेट दी हुई है ये हमें काम आती है, हम जब भी कोई वीडियो को अगर बीच में से कट करते हैं तो कट करने के बाद उनको जोड़ने के लिए काफ़ी ईजी होती है। अगर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे तो वो वीडियो में स्पेस रह जाएगा, जिससे कि आपके बीच में थोड़ा सा ग्लच हो सकता है। उसके अलावा जो सीज़र दिया हुआ है, सीज़र दोस्तों यहाँ पे आपके वीडियो ऑडियो को काटने के लिए यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर जो कुछ तो ये हमें दिए हुए हैं, ये यहाँ पे नेक्स्ट मार्कर के लिए और ये प्रीवियस मार्कर के लिए दोस्तों, ठीक है। और इसमें यहाँ से हम ऐड मार्कर कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास ऑप्शन है प्लस का और यहाँ पे माइनस का दिख रहा है दोस्तों, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारे सेकंड जो पर सेकंड हमारा होता है इस गैप में एक से लेके दूसरे के बीच का, ये हमारा यहाँ पर बढ़ जाता है। और जब यहाँ से प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 सेकेंड का गैप रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास फाइल का है। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, और रिसेंट जो प्रोजेक्ट हमने बनाए होंगे वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से हम फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से फाइल को चूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों ये जो भी ऑप्शन यहाँ पर वो हमें बाहर भी मिल जाएंगे, ये हमारे पास इम्पोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से ये हमारे पास ये वीडियो चूज़ फाइल का आ जाएगा ऑप्शन। उसके अलावा यहाँ से हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीके यहाँ से हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी मैं इंपोर्ट, यहाँ से मैं आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। आप मेरी फ़ाइल जो वो एफ ड्राइव में पड़ी है, मैं एफ ड्राइव में जाता हूँ। एफ ड्राइव में जाने के बाद दोस्तों मेरे पास यहाँ पे सिविल में और मेरे पास ये है जो फाइल पड़ी हुई है, ये फाइल यहाँ से ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास आ चुकी है एक फ़ाइल, मैं इस फाइल को यहाँ डालूँगा ट्रैक में। आप किसी भी ट्रैक में लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रैक 5 में लगा दिया। उसके बाद आप इसको इजीली प्ले कर सकते हैं। प्ले करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे वॉइस कम कर लेता हूँ, उसके बाद इसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर टाइम चलने लगा है और ये हमारी जो वीडियो प्ले होने लगी है। मैं इस वीडियो को आपको यहाँ पे कट करके दिखाऊंगा, आप चाहें तो जहाँ मर्ज़ी से आप इसे इजीली कट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शन भी है जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो थोड़ी सी चला कर दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मैंने कट नहीं की है। यहाँ पर देखिए ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये जो ट्रैक है ये पूरा एक सिंगल ट्रैक है, इसमें मैंने कोई कटिंग नहीं की है, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कोई कटिंग नहीं की है, तो अब मैं यहाँ से आपको ये कट करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे ये सबसे पहले पॉज करना है, उसके बाद हम यहाँ से सीज़र का ऑप्शन पिक करेंगे, और आप जहाँ से भी कट करना चाहते हैं, आपको जो भी आपका वीडियो में कुछ वेस्ट पार्ट दिखता है या वहाँ पर कुछ साउंड जो आप नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाहते हैं, वो आप यहाँ से ईजीली कट करके उसे निकाल सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो ये सिंबल दिख रहा है सीज़र का, इसको वहाँ ले जाके और सिंपली सिंगल क्लिक आपने करनी है, और इससे वो कट हो जाएगा। कट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसको सीज़र को अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आप यहाँ से वीडियो कट करना चाहते हो वो यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव क्लिप यहाँ से कर देंगे। जैसे ही आपकी क्लिप रिमूव हो जाएगी, आपको जो पिछला वाला है वो आपको यहाँ पर आगे ला के जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, जैसे हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा कॉपी क्लिप का, उसका इफ़ेक्ट का आएगा, हमारे पास फिर की फ्रेम्स आएंगे,
जो भी हम यहाँ पे डाल चाहते हैं वो डाल सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, इसकी टाइम बढ़ा सकते हैं, इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ फेड का ऑप्शन आएगा। अगर आप किसी पोर्शन को फेड करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं या स्लो करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा आप दिखा देता हूँ। मैं एंटायर क्लिप का करता हूँ और इसको फिड इन आउट स्लो करता हूँ और यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी स्लोली आ रहा है यहाँ पे हमारा, ये हमारे यहाँ पे विजिबल हुआ और ये यहाँ पे चला गया। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो ऐसे कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक इफ़ेक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप एनिमेशन कर सकते हैं, स्टार्ट क्लिप और जूम। मैं यहाँ पे आपको एंटायर पे सेंटर पे आपको यहाँ पे कुछ करके दिखा देता हूँ एनिमेशन, जो भी आप करना चाहते हैं। सिंपल, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके जो पहले से एनिमेटेड सिलेक्टेड होगा वो हो जाएगा। और देखिए, ये आपको आपका ऐसे आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको इजीली ऐसे करके ला सकते हैं। इसमें काफ़ी आपको ऐसे फंक्शन मिल जाएंगे जो आप इसको कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों। उसके रोटेट का भी ऑप्शन है दोस्तों, आप यहाँ से 90 डिग्री या 90 लेफ्ट राइट 180, जो भी आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन है दोस्तों, आप कौन सी लेआउट कितना का चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर सेंटर वाला क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए जो हमारी लेआउट है वो इतनी दिखाई देगी। ये पॉज हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये सिर्फ इतना दिखाई देगा, इसके अलावा आप जितना भी करना चाहते हैं इसको ईजिली कर सकते हैं। उसका दोस्तों हमारे पास यहाँ टाइम का आ रहा है यहाँ से दोस्तों। अगर आप चाहें तो आपके अपने वीडियो को स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं और उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप कितने सेकंड के लिए उसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, और आप फ्रीज़ जूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 सेकंड के लिए फ्रीज़ एंड जूम करता हूँ और ये यहाँ पे वीडियो में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो है मेरा फ्रीज़ हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। वॉल्यूम का ऑप्शन है, आप पूरी एंटरटेनमेंट कहाँ पे आप कितना वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको फेड आउट के लिए करना चाहिए दोस्तों, आप एंड ऑफ क्लिप करना चाहते हैं, उसके बाद अगर आपको एंटायर क्लिप पे करना है तो आप यहाँ से बहुत से ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप ऑडियो सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे कि जो मैंने अभी सेलेक्ट किया उसका मुझे ऑडियो सेलेक्ट करना है, सेपरेट करना है, मैं यहाँ से सिंगल क्लिक करूँगा और जो इसका ऑडियो होगा दोस्तों वो यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप नीचे देख पा रहे हैं कि इसका जो ऑडियो है वो यहाँ पे आ गया है और जो वीडियो वो यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हमारे पास ये एक ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, आप किस साइड को करना चाहते हैं, बोथ साइड स्लाइस करना चाहते हैं दोस्तों, बोथ साइड स्लाइस करना चाहते हैं या राइट साइड में, ये आपको काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर आप थंबनेल भी शो करवा सकते हैं अगर आपने इसमें ऐड कर रखा है, और उसके बाद आप शो भी फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो वीडियो है ये मैं आपको एक एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ कि एक्सपोर्ट आप कैसे करेंगे। और दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन था, अगर आप इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं कि जो हमने साइज़ किया था वो काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पे, जो हमने स्लाइस की। देखो दोस्तों, यहाँ पे स्लाइस कर रखी है मैंने ये। ठीक
ठीक है दोस्तों, ये आप सब देख चुके हैं। यहाँ से आप कैसे क्या कर सकते हैं, आप इसको प्लस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा और आपको यहाँ से पर ट्रैक में आप पर सेकंड के हिसाब से इसको कट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप 10 सेकंड के हिसाब से कट करना चाहते हैं तो आप 10 सेकंड रख सकते हैं। अगर आपको 1 सेकंड के हिसाब से कट करना है तो आपको यहाँ से प्लस साइन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसको ट्रैक को जूम करना पड़ेगा, जितना वो एक्सपेंड होगा उतने ही क्लोजली आप इसको कट कर सकते हैं। इसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 है तो सेकेंड ट्रैक के लास्ट तक यहाँ पे 58, यानी सेकेंड सिर्फ 1 सेकेंड का गैप है जो आप कट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए यहाँ से मैं 57 को यहाँ से कट करके P8 पे क्लिक कर देता हूँ, 57 से 58 के बीच के जो है वो कट हो चुका है। यहाँ से इस तरह से आप 1 सेकंड का भी वीडियो है वो कट कर सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपको करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली इस पे जाना है, आपको यहाँ पे टाइटल नेम यानी आप किस नाम से वीडियो को सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ। और उसके बाद में आप यहाँ पे कौन सा पाथ देना चाहते हैं, ये वीडियो कहाँ पर जाके सेव हो, आप उस वीडियो का पाथ यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी भी फोल्डर में सेव कर लेता हूँ इसको, तो वो ईज़िली यहाँ हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलेंगे, आप किस फॉर्मेट में इस वीडियो को सेव करना चाहते हैं, ये यहाँ पे डिफ़ॉल्टेड है। उसके बाद में आप यहाँ पे किस एक्सटेंशन को यूज़ करना चाहते हैं, आप वो एक्सटेंशन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप जितने भी हाई रेजोल्यूशन पर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 1080 भी मिल जाएगा, 720 भी मिल जाएगा दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पे आपको 1440 मिल जाएगा। मोस्टली दोस्तों यूट्यूब के लिए 720 और 50 FPS के साथ में यहाँ पे 1280 और 720 का रेजोल्यूशन ही यूज़ करते हैं, आप वो यूज़ करें तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप हम यहाँ पर लो मीडियम मत सेलेक्ट करें, यहाँ पर आपको हाई ही सिलेक्ट करना है। जब आप ये सारे सेटिंग्स कर लेंगे और सेटिंग्स करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाना है और आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे लगा देने के बाद में ये आपका एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आप ये का एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर है और उसको अपलोड करने के लिए लगा सकते हैं। मुझे ये फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करनी, इसलिए मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें जो मैंने आपको समझाया है वो आप समझ पाए होंगे और आप इसको अपनी वीडियो के लिए काफ़ी काम में ला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।